जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। शनिवार हनुमान जयंती को करें 10 में से एक रामबाण उपाय, 21 पीढ़ियां करेंगी राज। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। 31 मार्च 2018 शनिवार हनुमान जयंती, करें इनमें से कोई भी एक उपाय। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। इस बार शनिवार के दिन हनुमान जयंती का दुर्लभ महासंयोग बन रहा है। इस दिन चैत्र मास की पूर्णिमा हनुमान जयंती है। शनिवार और हनुमान जी के शुभ योग में किए गए ज्योतिषी उपाय सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। भाग्य से संबंधित सभी बाधाओं को दूर करने के लिए मैं आज आपको कुछ खास उपाय बताने वाली हूँ। इन उपायों को यदि आप तन्मयता से इसमें से कोई भी उपाय कर लेते हैं तो आपकी 21 पीढ़ियां राज करेंगी, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो सभी के कष्टों का निवारण करते हैं। सभी के काम यदि किसी ने पूरे किए हैं तो वो है हनुमान जी, और हनुमान जी अष्ट चिरंजीवियों में से एक है। कलयुग में साक्षात देवता के रूप में आज भी पृथ्वी पर हनुमान जी विराजित है, और आप सब जानते हैं कि हनुमान जी ने ही भगवान श्री राम का मनोरथ यादगार पूर्ण किया था। और हनुमान जी बुद्धि के स्वामी हैं, ज्ञानों के स्वामी हैं, और सभी प्रकार के जो शक्तियाँ उनके पास है वो विद्यमान है। अष्ट सिद्धियाँ और नौ निधियाँ उनके अंडर में काम करती हैं, और सभी प्रकार से सर्व समर्थवान कलयुग में केवल हनुमान जी महाराज हैं। इसलिए आप सभी जो मैं आपको 10 उपाय बताने जा रही हूँ, इनमें से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं, या फिर 10 के 10, या जितने भी अधिकतम उपाय आप करें उतना ही आपको अधिक फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि अधिकाश्य अधिकम फलम, अर्थात जितना भी अधिक से अधिक आप उपाय करेंगे उतना ही अधिक फल आपको प्राप्त होगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन प्रातः काल ठीक 6 बजे माता अंजनी के घर में भगवान हनुमान जी का प्राकट्य हुआ था, और इसी कारण हनुमान जयंती का ये महापर्व हम और आप सब मिलकर के धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन ये महापर्व सर्वोत्तम इस बार इसलिए है क्योंकि ये शनिवार के दिन हनुमान जयंती का आना अपने आप में ही बहुत दुर्लभ महासंयोग है। तो अब मैं आपको 10 ऐसे महान उपाय बताऊंगी, उन 10 में से यदि आपने एक भी उपाय कर लिया तो आपके सारे काम बन जाएंगे। सबसे पहला उपाय है, हनुमान जयंती पर हनुमान जी की मूर्ति पर लाल गुलाब की माला चढ़ाएं। इस उपाय से कुंडली के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं और धन संबंधी परेशानियां दूर हो जाती है, और आपके घर में धन की कभी भी कमी नहीं होती है। दूसरा उपाय है, यदि आप धन लाभ पाना चाहते हैं तो हनुमान जयंती पर पीपल के 11 पत्ते लेकर के हनुमान जी के मंदिर में जाएं। इसके बाद इन पत्तों पर लाल चंदन या लाल कुमकुम से श्री राम का नाम लिखें, पत्तों की माला बनाएं और हनुमान जी को जरूर चढ़ा दें। ऐसा करने से हनुमान जी आपके सारे बिगड़े काम बना देंगे और आपके घर में धन की कभी भी कमी नहीं आएगी। इसके बाद तीसरा उपाय है, यदि आप बेरोजगार हैं, आपको रोजगार प्राप्ति में कोई परेशानी आ रही है, या पदोन्नति में कोई प्रकार की बाधाएं आ रही हैं, या फिर आप कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा व्यथित हैं, कष्टमय हैं, सहकर्मियों से परेशान हैं, या बॉस से परेशान हैं, या कार्य क्षेत्र में अस्थिरता है, तो आपको एक पान के पत्ते के ऊपर बूंदी के 2 लड्डू हनुमान जी के सामने रखना है, और इसके ऊपर एक लौंग रखना है। इसमें आप तुलसी का 1 पत्ता रख दें और हनुमान जी को अर्पित कर दें और उनसे प्रार्थना करें। इस उपाय से नौकरी, रोजगार, व्यापार संबंधी सारी परेशानियां तुरंत खत्म हो जाएंगी। चौथा उपाय है, सिंदूर और चमेली के तेल से एक कागज पर स्वास्तिक बनाएं। अब ये स्वास्तिक का निशान हनुमान जी की पूजा में उसे रख दे। पूजा के बाद इस कागज को तिजोरी या धन के स्थान में या लॉकर में रख दे। ऐसा करने से आपका रुका हुआ धन प्राप्त हो जाएगा और आप कर्ज से भी मुक्त हो जाएंगे और आपके घर में धन वृद्धि का योग बनने लगेगा। इसके बाद पांचवा उपाय है, हनुमान जयंती पर लगा हुआ मीठा पान का पत्ता हनुमान जी को चढ़ाएं। इस पान के पत्ते में थोड़ा सा गुलाब का गुलकंद होता है और बादाम की 1 बीजी जरूर रख दें और हनुमान जी को अर्पित कर दें। आपके घर में धन की कभी भी कमी नहीं आएगी, आपका घर धन समृद्धि से भरा रहेगा। और आप यकीन मानें कि यदि आप ये उपाय हनुमान जयंती के दिन किसी भी समय करेंगे
तो आपके जीवन में मान सम्मान धन यश प्रतिष्ठा सब प्राप्त हो जाएगा। छठा उपाय है हनुमान जयंती के दिन सुंदर कांड हनुमान चालीसा हनुमान अष्टक का पाठ करना या फिर कोई भी हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना या हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी और घर की सारी नकारात्मक शक्तियां घर से चली जाएंगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का लगातार प्रवाह बढ़ने लगेगा। सातवां उपाय है हनुमान जयंती के दिन श्री राम चरित्रमानस या श्री राम रक्षा स्रोत का पाठ करने से मानसिक एवं शारीरिक शक्ति बढ़ेगी, मानसिक तनाव आपका दूर हो जाएगा। घर में यदि लड़ाई झगड़ा होता है, कलेश होता है, वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा और घर में शांति का वातावरण निर्मित हो जाएगा और घर से सारी बुराइयां चली जाएंगी और घर में सारी अच्छाइयां अर्थात सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होने लगेगा। इसके बाद आठवां उपाय है आपके व्यापार में या कार्य क्षेत्र में यदि किसी प्रकार की कोई गिरावट आ रही है तो उसे रोकने के लिए हनुमान जयंती के दिन आप सिंदूर और लंगोट हनुमान जी को जरूर चढ़ाएं। सिंदूर ऑरेंज रंग का जो आता है वो डालें, वो आप पूजा की शॉप से ले सकते हैं और कपड़े की लंगोट वहाँ पर मिलती है, इसे ले जाकर के आप हनुमान जी के चरणों पर चढ़ा दें। ऐसा करने से आपके व्यापार या कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो जाएगा। नवा उपाय है हनुमान जयंती के दिन आप एक लाल रंग की ध्वजा या झंडा लेना और उसके ऊपर लाल कुमकुम से स्वास्तिक बना देना और फूल और चावल चढ़ा करके ध्वजा की पूजा कर लेना। इसके बाद हनुमान जी को वो ध्वजा स्पर्श करना और उसे एक बांस में या किसी भी पाइप में या डंडे में लगा करके हनुमान जी के मंदिर के शिखर के ऊपर चढ़ा देना। ऐसा करने से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और चारों दिशा जितनी दिशाओं में वो ध्वजा लहराएगी उतनी ही दिशा में आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी और आप समाज में सम्मानित व्यक्ति के रूप में पहचाने जाएंगे और आपके घर में परिवार में किसी भी प्रकार की कोई मान हानि कभी भी नहीं हो सकेगी। आपका सम्मान आपकी प्रतिष्ठा लगातार जब तक वो ध्वजा हनुमान जी के मंदिर के ऊपर लहराएगी तब तक लगातार बढ़ती जाएगी। इसके बाद दसवां और अंतिम उपाय है हनुमान जयंती के दिन किसी भी रोगी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति की सेवा जरूर करें, उनको भोजन कराएं और इस उपाय को करने से हनुमान जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं क्योंकि हनुमान जी गरीबों का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। यदि आप किसी भी रोगी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करते हैं, वस्त्र का दान करते हैं, फल का दान करते हैं या कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति को उसकी जरूरत की वस्तुओं का दान करते हैं तो निश्चित तौर से हनुमान जी आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपके घर के ऊपर आपके परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई बुराइयों को बिल्कुल भी आने नहीं देंगे। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो बूंदी या बूंदी के लड्डू मंगा करके आप जरूरतमंद लोगों को गरीबों को जरूर वितरण कर दें। ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर जरूर बनी रहेगी। मैंने जो आपको ये 10 अचूक उपाय बताए हैं ये रामबाण उपाय है। रामबाण का अर्थ होता है जो कभी भी खाली नहीं जा सकता है। ऐसे अचूक उपाय मैंने आपको बताए हैं, इनमें से कोई भी आप एक उपाय कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, चार भी कर सकते हैं, पांच भी कर सकते हैं या 10 के 10 उपाय भी आप कर सकते हैं। अगर आप 10 के 10 उपाय करते हैं तो ये अत्यधिक शुभ रहेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।